अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट स्टूडियो। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम लोग हाइबरनेट कर सकते हैं अपने लैपटॉप को। तो उसके चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, और हाइबरनेट किस सिलसिले में होता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं तो मैं आपको बताते चलता हूँ। हाइबरनेट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी सर्विसेज जो हैं उसकी वो हम लोग, और उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो वहीं से वो शुरू हो जाती है। हाइबरनेट पर आपको वहीं से वो स्टार्ट होती है जहाँ पर आपने उसको छोड़ी थी। ठीक है, चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे अभी पीसी पे हाइबरनेट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, स्लीप का है, शटडाउन का है, रीस्टार्ट का, लेकिन हाइबरनेट का कोई भी नहीं है। तो इसको ऑन करने के लिए, हाइबरनेट का ऑप्शन लाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा पावर, लेकिन मैंने सिर्फ पी ओ लिखा है और यहाँ पे पावर एंड स्लीप आ गया सेटिंग, तो उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एडिशनल पावर सेटिंग्स पे जाइए, फिर उसके बाद चूज व्हाट द पावर बटन टू, उसके बाद चेंज सेटिंग द आर करंटली अवेलेबल। मैंने हाइबरनेट ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे हाइबरनेट का एक ऑप्शन आ गया है। तो अब इसको मैं जब भी जाऊँ हाइबरनेट कर सकता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो वो वहीं से ही स्टॉप हो जाएगी और एप्लीकेशन को वहीं से स्टार्ट कर सके जहाँ पे आपने उसे छोड़ा था। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।